बिहार विधानसभा में तू तलाक पर उतरे नीतीश कुमार का वीडियो आज वायरल है, लेकिन इस वीडियो में एक बात बहुत कॉमन है। नमस्कार, आप बिहार तक देख रहे हैं, मैं हूं इंद्रमोह। अगर आप आज के पूरे घटनाक्रम को देखें तो इसमें नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा है। नीतीश कुमार के सामने एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा थे। इसके पहले भी नीतीश कुमार को विधानसभा में गुस्सा आया, विधान परिषद में भी वो गुस्साए हैं, लेकिन विधानसभा में इस साल जब दो बार उनके गुस्से होने का वीडियो वायरल हुआ तो दोनों बार इसे महज इत्तफाक समझिए कि विजय सिन्हा ही उनके सामने थे, या यूं कहें कि नीतीश कुमार के निशाने पर विजय सिन्हा थे। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे बोल रहे हो? बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन था, कार्यवाही शुरू ही हुई थी कि उसके बाद केदार गुप्ता को शपथ दिलाई गई, और शपथ देने के बाद बीजेपी के विधायक लगातार जैसे कुंडी तो झांकी है पूरा बिहार बाकी है के नारे लगाने लगे। हंगामा देख कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कोशिश की स्पीकर ने, लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में आते। नीतीश कुमार जैसे ही आते हैं, छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत के मामले को लेकर बीजेपी हमलावर हो जाती है। लगातार उनके विधायक हंगामा करते हैं, प्ले कार्ड दिखाते हैं, जिसे देखते हुए नीतीश कुमार का पारा चढ़ जाता है और वो गुस्से में बीजेपी विधायक को बहुत कुछ सुना देते। ये तो आज का वीडियो है, यानी कि 14 दिसंबर 2022। लेकिन अब आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। आज के वीडियो में जहां विजय सिन्हा उनके सामने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मौजूद थे, तो 14 अप्रैल 2022 को जब नीतीश कुमार को गुस्सा आया था, उस वक्त स्पीकर की सीट पर विजय सिन्हा बैठे हुए थे और मामला उनके विधानसभा का ही था, जहाँ पर एक हत्या का मामला हुआ था, या यूं कहें कि पुलिस के बिहेवियर को लेकर वो सवाल उठा रहे थे। विजय सिन्हा, या यूं कहे कि बीजेपी के नेता संजय सारावगी ने यह सवाल उठाया था, और जिस पर नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया, और नीतीश कुमार ने उस वक्त भी विजय सिन्हा को, या यूं कहे कि स्पीकर को खूब सुनाया था। यह मामला इतना तुल पकड़ा था कि दिल्ली तक बुलावा गया था, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के पीछे यह भी एक वजह थी। 14 अप्रैल का भी उस वीडियो को देखिए, जब स्पीकर की सीट पर विजय सिन्हा थे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर नीचे बैठे हुए थे, तभी विजय सिन्हा एक सवाल करते हैं और नीतीश कुमार गुस्सा जाते। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं सुन रहा था, इसीलिए हम हाउस में आए हैं, इसीलिए हम हाउस में आए। ये काम है सरकार का जवाब देना, और मैंने ऑथराइज किया है अपनी तरफ से इनको इस बात के लिए करना। हम बैठ करके सुन रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि पूरी इंक्वायरी हो रही है, और जब पूरी इंक्वायरी हो रही है तो हो गया, ये हाउस का चीज है। आप जब इंक्वायरी हो रही है और ये हुआ, इसके लिए कोर्ट है, और जब इंक्वायरी होती है कोई चीज के बारे में और मामला जाता है कोर्ट में, आप हाउस में पूछ रहे, हाउस में बताया जा रहा है। और जो इंक्वायरी होती है, ये काम करना पुलिस का काम है, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और जरा संविधान देख लीजिए, आप संविधान देख लीजिए, और देख लीजिए एक बार, जान लीजिए। मुझको तो आश्चर्य होता है, हम इतने दिनों से और फिर इस तरह की बात होती है। ये महज एक इत्तेफाक है कि नीतीश कुमार को विधानसभा में जब जब गुस्सा आया है, उनके गुस्से का पारा जब भी चढ़ा है, तब तब उनके सामने विजय सिन्हा ही रहे। बिहार विधानसभा का यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।